नमस्कार, आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से मैं शिवम दीक्षित आज चर्चा करने वाला हूँ मृदा विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है सॉयल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका अगर आपको क्लियर नहीं होगी, आपको पता नहीं होगी, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप एकदम बेसिक्स जो है मृदा विज्ञान हो या एग्रीकल्चर का दूसरे सब्जेक्ट हो, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, किसी भी तरीके से कृषि से संबंधित किन्हीं विषयों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले मृदा को जानना आवश्यक समझते हैं। और मृदा में भी जो सबसे प्राथमिक विषय है वो मृदा विज्ञान का सॉयल प्रोफाइल टॉपिक है। तो आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो इंटर के बाद का यूपी कैडेट यानी यूजी के लिए यूपी कैडेट ICRA BHU का एग्जाम हो, या MSc एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो, हर एग्जाम में सॉयल प्रोफाइल से यानी मृदा परिच्छेदिका से प्रश्न बहुत ही जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आओ आज हम चर्चा करते हैं मृदा विज्ञान के इस टॉपिक सॉयल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा परिच्छेदिका होती क्या है। मृदा परिच्छेदिका मृदा के ऊपरी सतह से ऊपरी सतह यानी कि जहां पर पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, जिस जगह पर पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, मृदा के सबसे ऊपरी सतह से लेकर चट्टानों तक यानी कि आर संस्तर में ये क्या है, बेड रॉक यानी रॉक की चट्टाने देखो दिख रही है। ऊपरी सतह से लेकर चट्टानों तक के उदग्र, ये आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मृदा की सबसे ऊपरी सतह से चट्टानों तक के ऊर्ध्वाधर काट को सॉयल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊर्ध्वाधर काट मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉयल इंक्लूडिंग ऑल होरिजॉन्स इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। अब सॉयल प्रोफाइल जो है उसकी जो चर्चा करेंगे, तो जिसमें विभिन्न होरिजॉन्स होते हैं यानी संस्तर, तो आखिर संस्तर क्या होता है, जो सॉयल प्रोफाइल होते इंडिविजुअल लेयर ऑफ सॉयल प्रोफाइल या इंडिविजुअल लेयर इन सॉयल प्रोफाइल इज कॉल्ड होरिजॉन या संस्तर, यानी कि जो इसमें अलग अलग परतें हैं जैसे कि ओ ए बी सी आर, तो ये अलग अलग जो परतें हैं इन्हीं को हम जो है, ये अलग अलग परतें जो है इन्हीं परतों को हम होरिजॉन यानी संस्तर कहेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सबसे ऊपरी संस्तर यानी कि ओ संस्तर की। तो अब बात आती है कि ओ संस्तर क्या होता है, कहाँ उपस्थित होता है। तो ओ संस्तर आप देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, ये ओ संस्तर, ये इसके ऊपर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, घास दिख रही है, वेजिटेशन दिख रहा है। तो जो ओ संस्तर है ये मुख्यतः जंगलों में पाया जाता है, यानी कि उन मृदाओं में पाया जाता है जहां पर कभी जुताई खुदाई नहीं हुई होती है। उन मृदाओं में यह संस्तर पाया जाता है जिसको कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कार्बनिक संस्तर। ओ होरिजॉन को कार्बनिक संस्तर भी कहा जाता है। यह वर्जिन सॉयल में पाया जाता है। वर्जिन सॉयल का मतलब कुंवारी मृदा, यानी कि जहां पर जुताई नहीं हुई होती है, उन मृदाओं में ओ संस्तर पाया जाता है। यानी कि खेतों में जो मिट्टी होती है उसमें ओ संस्तर अनुपस्थित होता है। या इस संस्तर में कार्बनिक पदार्थों की भरमार होती है, इसमें पत्तियां और सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थों से बहुत ही रिच होता है, बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ओ संस्तर, जो कहा जंगली यानी फॉरेस्ट सॉयल में पाया जाता है। फॉरेस्ट की मृदाओं में ओ संस्तर पाया जाता है। ओ संस्तर में बहुत ही ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये जो है ओ होरिजॉन, ये ए होरिजॉन के यानी जो मिनरल सॉयल होती है उसके ऊपर का संस्तर है, जिसको हम ओ संस्तर कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ई संस्तर पर। अब हम बात करेंगे ए होरिजॉन की।
ए होर्जोन यानी कि ए संस्तर जो होता है, ये जहां पर वो संस्तर नहीं पाया जाता है, यानी कि जैसे जंगली मृदाओं में, वहां पर अपर मोस्ट संस्तर जो होता है वो ए संस्तर होता है। ए संस्तर होता है, इसको इलूवियल या वाशिंग आउट जोन भी कहते हैं, यानी वाशिंग आउट की क्रिया। वाशिंग आउट मतलब होता है लीच, वाशिंग आउट को समझ सकते हैं लीचिंग यानी निछालन। निछालन में यानी कि ऊपरी सतह में, मृदा की ऊपरी सतह में जो अवयव उपस्थित होते हैं वो घोल के रूप में निचली सतह में चले जाते हैं, जिसको इलूवियल जोन यानी वाशिंग आउट कहते हैं। वाशिंग आउट समझ में आई, यानी कि ऊपरी सतह से घोल के रूप में अवयव निचली सतह में चले जाते हैं। इसमें सर्वाधिक लीचिंग की क्रिया भी ई होरिजोन में ही होती है, अपर मोस्ट होरिजोन है। और इस होरिजोन को में कार्बनिक पदार्थों और मिनरल यानी खनिज पदार्थों का भरमार होता है। और ए होरिजोन जो है इसमें वाशिंग आउट यानी इलूवियल जोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम ए होरिजोन के अलग अलग संस्तरों पर चर्चा करेंगे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो इसमें ए संस्तर है, अब ए संस्तर यानी कि ए वन संस्तर जो होता है इसको खनिज मृदा, इसको यानी कि मिनरल सॉयल कहते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है, यानी कार्बनिक पदार्थों की भरपूर मात्रा जिसमें होती है इसको हम कार्बनिक संस्तर यानी कि ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है जिसको हम मिनरल सॉयल कहते हैं। ठीक है, ए होरिजोन को यह जो है मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों की भरमार के कारण डार्क कलर का दिखता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ उसमें होते हैं तो इसलिए वो किस रंग का दिखेगा, डार्क रंग का दिखेगा। किस संस्तर की बात कर रहे हैं, A1 संस्तर की। अब हम बात करेंगे E2 और E संस्तर। तो याद रखना है मैक्सिमम इलुविएशन, अब देखो इलुविएशन मैक्सिमम किसमें हो रहा है, ई संस्तर में, A2 या ई संस्तर जिसको कहते हैं, इसी में मैक्सिमम इलुविएशन यानी लीचिंग की क्रिया होगी। तो जो इलुविएशन है इसमें सर्वाधिक इलुविएशन किसका होगा, तो सर्वाधिक जो इलुविएशन मतलब जो मृदा की सतह में अवयव होते हैं ऊपरी सतह में, वो निचली सतह में चले जाते हैं। तो कौन कौन से अवयव मुख्यतः जाते हैं, उनमें क्ले, फेरस और अल्मोनियम, यानी कि क्ले मिनरल, लौह और अल्मोनियम, इनके ऑक्साइड, ये जो है इनका सर्वाधिक लीचिंग जो निछालन होता है, इलुविएशन होता है, वो A2 या E संस्तर में होता है। यानी A संस्तर का जो दूसरा संस्तर है A1 के बाद A2, इस संस्तर में मैक्सिमम इलुविएशन, इलुविएशन ये MSc एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलुविएशन किस संस्तर में होता है, तो E संस्तर में। तो वो E यहाँ आ रहा है, E और E यहाँ है, यानी कि इलुविएशन ये यहां से तुमको समझना है कि E इलुविएशन और किसमें, ई संस्तर में। ई संस्तर को ही A2 संस्तर कहते हैं, और उसके बाद है A3 संस्तर, इसको EB संस्तर कहते हैं। ये संस्तर मुख्यतः ए संस्तर और बी संस्तर को डिवाइड करने वाला एक संस्तर है, यानी कि ए होरिजोन और बी होरिजोन को किससे अलग, किससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, A3 से या EB होरिजोन से। इसको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन, जो ए होरिजोन और बी होरिजोन को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है, बताता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे बी संस्तर पर। बी संस्तर जो होता है, बी संस्तर, तो इसी को हम आइलुवियल जोन भी कहते हैं। आइलुवियल मतलब होता है वाशिंग वाशिंग इन। अब देखो ई तथा इलुवियल से तुमको ई इलुवियेशन या इलुवियल ये किसमें होगा, ई संस्तर में, और एक आई होगा इलुवियल। तो इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि आइलुवियल किसमें होगा, आइलुवियल बी संस्तर में, और इलुवियल ई संस्तर में। ई को ई से जोड़ना है, जो बचेगा वो बी में जाएगा आइलुवियल। तो आइलुवियल मतलब वॉशिंग इन, यानी कि एक्यूमिलेशन ऑफ सॉयल मटेरियल, मृदा पदार्थों का निचली सतह में जमा होना, मृदा
ये वाशिंग इन एलुवियल डिफिनेशन अगर तुमको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या कि मृदा पदार्थों का निचली सतह में जमा होना क्या कहलाता है इलुवियल, इलुवियल कहलाता है, इलुवियेशन कहलाता है। इलुवियेशन क्या कहलाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल इन लोअर लेयर या लोअर सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यानी कि मृदा की निचली सतह पर मृदा पदार्थों का निचली सतह में एकत्रित होना, जमा होना क्या कहलाता है? इलुवियेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये वाशिंग इन जोन इसको कहेंगे, बी संस्तर को। ये बी संस्तर जो है इसी को हम सब सॉइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब सॉइल। जो जुताई खुदाई की क्रियाएं होती हैं वो इस संस्तर तक नहीं हो पाती हैं, इस संस्तर तक नहीं हो पाती है। आपको याद रखना ये कौन सा संस्तर है? बी संस्तर, यानी कि सब सॉइल। अब जो जैसे कि शुष्क क्षेत्र होते हैं, जो शुष्क क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के मिनरल यानी कि जो ये लवण होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के, ये जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। ये बी संस्तर में जिस तरीके से इलुवियल जोन बता रहे हैं ना कि मतलब एरिड शुष्क क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में जो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट के लवण यानी कि साल्ट भी डिपोजिट हो जाते हैं एक जगह पर। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इस बी संस्तर की जो, तो अब बी संस्तर ए के बाद बी संस्तर हो गया, तो ए और बी दोनों संस्तर को अगर हम मिलाएंगे यानी कि ए प्लस बी, तो इन दोनों को संस्तरों को मिलाकर क्या बनेगा? सोलम। तो आपको लिखना ए संस्तर प्लस बी संस्तर, ए और बी संस्तर को क्या कहेंगे? सोलम। ए और बी की बात हो गई, ए और बी संस्तर इनको मिलाकर क्या बनता है? सोलम। अब हम बी संस्तर के बाद चर्चा करेंगे सी संस्तर की। सी संस्तर में देखो, सी संस्तर जो है ये आप लोग यहीं से देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो है चट्टान जैसी संरचनाएं दिख रही है, यानी कि सी संस्तर में पूर्ण रूप से वेदरिंग की क्रिया नहीं हो पाई थी। सी संस्तर में पूर्ण रूप से वेदरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो संस्तर है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स का संचयन होता है। क्या होता है? संचयन किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और इसमें जो है ये जो संस्तर है सी संस्तर, इस संस्तर में बहुत ही यानी लीस्ट वेदरिंग होती, बहुत ही कम वेदरिंग होती है, कह सकते हैं कि कम वेदरिंग हुई होती है। ठीक है, ये जो सी संस्तर है ये पूछ लेगा कि सोलम के नीचे वाला, नीचे का संस्तर कौन है? सोलम क्या था? ए प्लस बी मिला को सोलम बना था, तो ए प्लस बी, बी के बाद आएगा सी, तो सोलम के नीचे का संस्तर हो जाएगा सी, या सी के सोलम संस्तर है सी के ऊपर का संस्तर, या सोलम के नीचे का संस्तर है तो सी। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यहाँ पर आपको घुमा सकता है कि सोलम के नीचे का संस्तर कहलाता है तो सी संस्तर, या फिर सी के ऊपर का संस्तर, क्योंकि सोलम के नीचे का सी कहलाएगा, यानी कि सी के ऊपर का संस्तर कौन सा हुआ? सोलम। सोलम किसको मिला के बनता है? ए प्लस बी को। अब ए प्लस बी को मिला के सोलम हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मिलाकर बनेगा रिगोलिक। रिगोलिक ये आप लोगों को याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? रिगोलिथ। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों संस्तरों को मिलाकर रिगोलिथ होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आर संस्तर पर। आर संस्तर जो होता है ये सबसे नीचे का संस्तर होता है जिसमें बेड रॉक यानी कि चट्टाने होती है। देखो ये सबसे नीचे का संस्तर है जिसमें चट्टाने होती है, तो ये जो सॉइल प्रोफाइल हो गई जिसके बारे में अभी आपको बताए हम कि जो है सबसे ऊपर का संस्तर वो संस्तर होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की भरमार होती है, और ये संस्तर मुख्यतः जंगलों वाली मृदाओं में यानी फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है। इसको वर्जिन सॉइल यानी कि कुंवारी मृदाएं जो होती है जहां पर कभी जुताई खुदाई नहीं हुई होती है, उसमें भी वो संस्तर
पाया जाता है। उसके बाद आता है एवन संस्तर, जो एवन संस्तर होता है मिनरल सॉयल होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की भरमार होती है, और ये मिनरल सॉयल जो होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की भरमार होती है इसलिए इसका रंग डार्क यानी कि हल्का काला या भूरे रंग का होता है। ई होरिजोन जो है इसमें मैक्सिमम इनोवेशन होता है, मोबिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि इसमें क्या होता है वॉशिंग आउट होता है ऊपरी सतह से नीचे वाली सतह में मृदा के सभी अवयव आकर एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बी संस्तर, बी संस्तर को ही सब सॉयल कहते हैं। इसमें एलुवियल, याद रखना ई होरिजोन ए टू को ही जो ई कहते हैं उसी में एलुवियल होगा, ई से शुरू होगा, पूछ लेगा एलुवियल जोन कौन सा है, एलुवियल संस्तर है वॉशिंग आउट तो ई, वॉशिंग इन किस में होता है तो बी संस्तर में, ठीक है। बी को ही सब सॉयल भी कहा जाता है। बी के बाद आता है सी, ठीक है। सी में जो है लीस्ट वेदनिंग हुई होती है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का संचरण होता है और एकत्रित ये जो लवण होते हैं वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं। उसके बाद में अब इसमें जुताई खुदाई यहाँ तक नहीं हो पाती है, ठीक है। अब ए प्लस बी को मिलाकर सोलम बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों संस्तर को मिलाकर रिगोलित होता है, ठीक है। ये और सबसे नीचे का संस्तर जो होता है वो आर संस्तर कहलाता है। तो मुख्य संस्तर कितने हुए, मुख्य संस्तर इसमें जो है क्योंकि को संस्तर सभी मृदाओं में पाया नहीं जाता है तो ए बी सी तीन मुख्य संस्तर होते हैं, कुल कितने संस्तर होते हैं पांच, ओ ए बी सी और आर। तो ये मृदा परिच्छेदिका के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी हो गई जिससे एक दो प्रश्न हर साल जरूर पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से चित्र बनाकर तैयार कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, इससे प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।